हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमें पता है आप इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि न्यूज़ कब आए, कब ग्रुप डी की न्यूज़ आए या कब एनटीपीसी की न्यूज़ आए। कि एनटीपीसी ग्रुप डी कमेटी की न्यूज ऑफिशियल अपडेट, दोस्तों कल मैंने एक दो वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होंगी। उसमें दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं था, लेकिन आज दोस्तों एक ऑफिशियल अपडेट आ गया है। जानकारी से पहले आपको बताना चाहूँगा, जो भी नए मित्र आए हमारे चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करके ऑल कर दें, जिससे आपको ग्रुप डी की कोई भी न्यूज आएगी या किसी भी प्रकार की आपके लायक न्यूज आएगी तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्विटर अकाउंट खोल रखा है। यहाँ पर चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए अश्विनी वैष्णव जी ने 2 घंटा पहले ही यहाँ पर ट्वीट करके दिया है, हाई पावर कमेटी को करीब 3 लाख ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन मिले। कमेटी ने इनका विश्लेषण कर लिया है, कुछ ही दिनों में आरआरबी समाधान नोटिफाई कर देगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटा लिखा हुआ है और आप यहाँ पे मेरा टाइम भी देख सकते हैं, ऊपर शो हो रहा होगा। और इसके अलावा मैं डेट भी आपको दिखाना चाहूँ तो दोस्तों ये मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा ये नीचे नहीं हो रहा है, पता नहीं किस प्रॉब्लम की वजह से। तो चलिए मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आपको डेट भी दिख रहा होगा, तो आप डेट भी देख सकते हैं 5 मार्च। दोस्तों इसमें जैसा कि आपने देख लिया है कोई डेट फिक्स नहीं की है और दोस्तों 1-2 दिन या 4 दिन में दोस्तों सरकारी रिजल्ट या कह सकते हो आरआरबी की साइट पर ये न्यूज आ जाएगी कि क्या हुआ है। तय ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जो नए मित्र हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।